Hey, what's up everyone? This is Gurakshit and welcome back to your own channel and a new vlog. अब अगर आपने मेरे चैनल के बाकी सारे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा अभी मैं ले में हूँ और ये हमारा अनऑफिशियली लास्ट डे है क्योंकि कल हमारी फ्लाइट है 11 बजे की. तो आज है हमारा डे नंबर 5 इन ले. बाकी टुडे वी आर गोइंग टू कारू. अब अगर आपने पुराने व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था कि हम यहाँ पे 13 ईयर्स अगो रह चुके हैं और उस टाइम पे हम थे कारू में. तो मैं अपनी पुरानी बचपन की मेमोरीज को दोबारा रिकॉल करने वाला हूँ और मेरी जो बचपन में केयर टेकर थी हम उनसे भी मिलेंगे और उनसे कुछ ऐसे सीक्रेट जानेंगे जो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता. तो चलो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में. हम थिक्से भी जाने वाले हैं, मोनास्ट्री सांची से ऊपर जाने वाले हैं जो आपको इधर से दिख जाएगी वो री. सो दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी ऑसम. तो चलो, लेट्स स्टार्ट अ जर्नी. राइट, सो अभी हम थिक्से मोनास्ट्री के बाहर हैं और हम यहाँ की टिकट्स भी ले चुके हैं. ये मेनली पार्किंग एरिया है यहाँ का एंड यहाँ से इसकी एंट्रेंस है. ये देखा मेन गेट एंड यहाँ पे इस मोनास्ट्री के बारे में लिखा है. आप इसे पहुँच करके आराम से पढ़ सकते हो. इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल लद्दाख. तो चलो आगे चलते हैं मोनास्ट्री के अंदर. एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से आपको टिकट लेनी है टिकट काउंटर से एंड बाकी यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है ले का, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो. अभी हम ले से थोड़ा सा दूर आ चुके हैं, मतलब ले पहले था, आगे आके ले से जैसे ही बाहर निकलते हो वैसे थिक्से मोनास्ट्री आ जाती है. थिक्से मोनास्ट्री के बाद कारू आएगा और कारू के आगे हेमिस आएगा. हेमिस भी मोनास्ट्री है. बाकी यहाँ पर इन्होंने वाटर ATM लगाया हुआ है. वाओ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. So, अभी हम सेकंड गेट के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मान लो अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से रेस्ट करके कुछ ना कुछ खा सकते हो. एंड यहाँ पे एक सुवेनिया वाली शॉप भी है, बाकी ऑसम. और एक तो थिक से एकदम वेल मेंटेन्ड है. बाकी यहाँ से लेक का एक और ऑसम व्यू हमें दिख रहा है. अगर आप देखोगे तो ले पूरी वैली है, इसके साइड में माउंटेन्स हैं जो हिमाद्री रेंज है हिमालयस की और ये बीच में एक वैली है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये इस मोनास्ट्री की मेन बिल्डिंग है. हम ऊपर चल के चेकआउट करते हैं.
ऑलराइट, सभी मोनास्ट्री के अंदर से प्रे करके बाहर आ चुके हैं एंड ठीक से बाहर जाके मैं स्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। एंड अभी अपना नेक्स्ट स्टॉप है कारू, सो लेट्स रिकॉल सम मेमोरीज। 2000 years later. So, अभी हम कारू पहुंच चुके हैं। जूले कैसे हो? कैसे हो? मैं याद हूँ। अच्छा, मैं कौन हूँ? ध्रुव। हाँ, ध्रुव। ध्रुव। वो है ध्रुव। हाँ जी। मुझे याद है आपने मुझे सिखाया था जब भी कोई डॉगी दिखे तो फिर ऐसे करना है। नहीं यार, और क्या करा था आपको? मैंने सोचा ये बड़ा होगा, ये से छोटा होगा। अंगद का बचपन का क्या याद है आपको? बताओ अंगद को, बताओ कुछ याद है आपको? हाँ याद है। बताओ। उधर बाहर घूमने जा रहे हम दोनों। हम दोनों वॉकिंग पे आते थे। उल्टी कर रही सो जैसे कि आप देख सकते हो मैं लामू आंटी से मिल चुका हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपनी मेमोरीज को रिकॉल करके। उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं करता था एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। मेमोरीज रिकॉल्ड। मैं ऐसे एक स्टिक लेके मैंने इधर ही वॉकिंग सीखी है। ये रहा हमारा घर, हम यहाँ पे रहते थे और वहाँ से इंडस रिवर दिखती थी। ऑल द मेमोरीज आर रिकॉल्ड। एंड आपके सामने अभी एक पुरानी फुटेज आ रही है जब मैं छोटा सा वॉकिंग कर रहा था। सो इसे एंजॉय करो एंड अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जगह पर। अब इस ब्रिज के साथ भी हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये इंडस रिवर के ऊपर बना हुआ है और वहाँ पर आपको हमारा घर भी दिख रहा होगा। सो हम घर से वॉकिंग करते करते नीचे आते थे और यहाँ पर मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ है बचपन की। तो आपके सामने एक फ़ोटो आई होगी, वो मेरी बचपन की फ़ोटो है और इसी ब्रिज के इधर है सामने बैंक पर। कारू आके तो मज़ा ही आ गया, सारी मेमोरीज रिकॉल हुई। अब मेमोरीज को साइड में रख के इस ब्रिज का एक और सिग्निफिकेंस भी है कि ये हेमिस के रास्ते में आता है। जो मैंने आपको मैप में समझाया था कि हेमिस भी इधर एक मोनास्ट्री है, वो इसके रास्ते में आता है। अगर आप जैसे आगे जाओगे तो थोड़ी देर में आपको हेमिस मोनास्ट्री दिख जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। सो अभी हम कारू से वापस ले आ चुके हैं एंड ले मार्केट में हम एक जर्मन बेकरी में रुके हैं जिसका नाम है जेस्मो कैफे एंड लेट्स हैव सम फूड। सो दिस राइट हियर इज देयर मेन्यू और इनके मेन्यू से पता चल रहा है इनकी डिशेज ऑसम होने वाली हैं। एंड आई जस्ट गिव यू क्विक लुक ताकि आप प्राइजेस को कंपेयर कर पाओ। अब इस कैफे में मोस्टली जो फेमस चीज़ें हैं वो है पिज़्ज़ा, बर्गर और तिब्बतन फूड। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है याक चीज़ चिकन पिज़्ज़ा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसे हम ऑर्डर कर चुके हैं। सो लेट्स ट्राई इट। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thought so this. Good. Face the pain, it's like candy canes. The names of people change into a better frame, into a better game. Society's the same, we all live for fame. Stadium back, born a rock star. This life gon' live it up on the attack. Baby, I'm back, I just wanna get caught up. This life, I'm crazy, I'm mad. Doing no cap, only got one, so you better go live it up. Cash in the back, stadium back. Baby, I'm back. अभी हम गेस्मो कैफे से बाहर आ चुके हैं, सॉरी गेस्मो बेकरी से अभी हम बाहर आ चुके हैं एंड ओवरऑल इट वाज ऑसम। हमें फूड और पिज़्ज़ा वीज़ा सब अच्छे लगे। सो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम जाने वाले सांती स्तूपा, तो हम सीधा वहीं के रास्ते पे मिलते हैं। लेट्स गो। सो अभी मैं इतने दिनों से आप लोगों को शांति स्तूपा को अपने रूम से दिखाता हूँ उसका व्यू। अब आज वो दिन आ चुका है कि हम उसके अंदर जाके उसको सामने से देखेंगे और मैं ये जानता हूँ कि वहाँ से व्यू भी एकदम मौसम आता है। तो चलो अंदर चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़। चलो लेट्स गो।
ऑलराइट सो अभी हम शांति स्तूपा की पार्किंग लॉट में आ चुके हैं एंड यहाँ पे टैक्सी स्टैंड एंड पार्किंग है एंड दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो शांति स्तूपा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। शांति स्तूपा की मेन सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखी हुई है कि बुद्धिज्म की 2500 ईसी कम्प्लीशन पे ये बना था। सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ लुक। और बाकी यहाँ पे आपको एक ऐसी एंट्री टिकट लेनी होती है जो है 30 रुपीज की और वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो द व्यू फ्रॉम हेयर इज ऑसम, यहाँ से आपको पूरा ले दिखेगा एंड चलो आगे चल के देखते हैं। सो दिस इज द ऑसम व्यू फ्रॉम शांति स्तूपा, टेक अ लुक। एंड यहाँ के लेफ्ट में आपको दिखेगा शांति स्तूपा कैफे एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे नीचे जगह व्यू भी एकदम ऑसम आएगा इस रेस्टोरेंट से। अभी हम तो अभी जस्ट ना अपना लंच खा के हैं, आपको तो पता ही होगा, तो अभी इतनी तो हिम्मत नहीं है, बट कोई नहीं, इस व्यू को एंजॉय करते हैं, आगे चलते हैं स्तूपा में। बाकी यहाँ से आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रही हैं जहाँ पे हम जा चुके हैं। अराउंड हेयर इज चांगला और इधर खरदुंगला। सो आज का हमारा खरदुंगला का तो प्लान नहीं है क्योंकि हम चांगला तो कर ही चुके हैं एंड फर्स्ट एंड सेकेंड में तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। सो खरदुंगला का तो प्लान कैंसिल है, बाकी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी होता है तो इसलिए हमने अपना प्लान चेंज किया है, बट ठीक है चलो कोई नहीं। चांगला वाज ऑसम एंड हमने वहाँ पे स्नोफॉल को भी कवर कर लिया था और एक तो हम बहुत ज़्यादा लकी थे कि हमें चांगला में स्नोफॉल मिली, ऐसे समर्स में चांगला में स्नोफॉल मिलती नहीं है। बाकी उससे जो आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे वहाँ पे है मनाली। अब देखो ले एक वैली है और मनाली एक वैली है, इन दोनों के बीच में माउंटेन रेंज है, इसे आप कवर करोगे तो आप मनाली पहुँच जाओगे। बाकी ले अगर आगे तो मनाली का क्या हुआ है सिग्निफिकेंस, क्योंकि ले इतना ऑसम है और एक तो मनाली का जो ऑल्टीट्यूड है वो ले से कम है तो इसलिए वहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन का भी पंगा नहीं है, पर मेरे हिसाब से तो अगर आ रहे हो तो ले ही आओ। बाकी तो मनाली तो मुझे समझ में नहीं आता कुछ, मतलब ना ही ऊपर हो ना ही नीचे हो, बीच में रह गए, ऊपर जाने तो अच्छे से जाओ। ये है हमारा मेन स्ट्रक्चर ऑफ शांति स्तूपा, दिस इज ऑल्सो मोनास्ट्री। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था मेन बोर्ड पे लिखा था कि बुद्धिज्म की 2500 ईयर्स की कंप्लीशन पे बना था। वाओ देखो तो क्या अमेजिंग स्ट्रक्चर है यार। एंड उसके आगे जाके वहाँ पे बुद्ध जी का एक स्टैचू है, बाकी यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट है तो मैं ऐसे हाथ करके कवर कर लेता हूँ। वाओ बाकी अगर अभी तक व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे एस्थेटिक वीडियोस और ऑसम फूडी व्लॉग्स तो मैं बनाता ही रहता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। नाउ दिस इज कॉल्ड व्यू यार, दिस इज कॉल्ड व्यू। हमारा जो रूम है वो यहीं कहीं पे आसपास, तो हमें यहाँ से पूरा ही दिखता है शांति स्तूपा, अमेजिंग। अच्छा दिख गया मुझे अपना रूम, दिख गया। आप एक ग्राउंड देख रहे हो ना, ग्राउंड के आगे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग वाले, वहाँ पे हमारा रूम। आई ज़ूम इन एंड शो यू, ये दादी ऊपर आ गए, ये दिख रहे हैं आपको उधर कुछ रूम्स, वो ये हमारा रूम है यहाँ पे, दिखा। वाओ चलो बाकी ले भी इधर से ऑसम व्यू है। बाकी मैं आपको दो तीन टिप्स देता हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी ले में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल सनस्क्रीन कैरी करना, सेकेंड ऑफ ऑल सर्दियों में आओ गर्मियों में आओ गर्म कपड़े लेके आना क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है एंड अभी भी यहाँ पे हवा चलनी तो शुरू हो ही चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही होगी, विस्लिंग साउंड। अब शांति स्तूपा सिर्फ एक मोनास्ट्री नहीं है, मुझे अभी पता चला कि वो एक व्यू पॉइंट भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने चीज़ नोटिस की, एक ऐसा इन्फो बोर्ड दिखेगा जहाँ पे एक विलेज का नाम लिखा होगा, जैसे कि इधर से दिख रहा है विलेज चौक, यहाँ पे इसका डिस्टेंस लिख रहा है 13.5 किलोमीटर एंड इसकी हाइट ऑल्टीट्यूड में लिखी है फीट। अब ऐसे कोई एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ले पैलेस, इसका यहाँ से डिस्टेंस है 1.4 किलोमीटर एंड हाइट इधर लिखी हुई है। अब अगर आप इसे ऐसे दिखोगे सबको दिखेगा वहाँ पे
वो जो है ना येलो येलो मिट्टी का स्ट्रक्चर, वो ले पैलेस है। बाकी बहुत ही मुझे ऑसम चीज़ मिली, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और जैसे कि मैं बताया था कि खरदुंगला पास इस साइड है, यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा है, इसकी हाइट ये रही। और इस एरो को आपको फोकस करना है तो आपको दिखेगा कि वो यहाँ पे है, जहाँ पे आपको एक पीक दिख रही है जहाँ पे स्नो रखी है, दैट इज खरदुंगला। सो वॉट बेटर प्लेस फॉर एन आउटरो देन दिस। सो इस ट्रैवल सीरीज को, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप यू एंजॉयड द ट्रैवल सीरीज ले, और अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल पे बाकी ट्रैवल सीरीज भी जाके देखो यार। और बाकी ले मेरे लिए एक मैजिकल एक्सपीरियंस था, यहाँ का व्यू एकदम ऑसम था, एंड बेस्ट पार्ट व्यू था, एंड वर्स्ट पार्ट था एक्लिमेटाइजेशन। और वो वर्स्ट पार्ट इसीलिए था क्योंकि अभी तक मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप आओ तो एक दो दिन तो आपको कंप्लीट रेस्ट करने पड़ेंगे, जो मैंने गलती की है, तो उसे आप रिपीट मत करना। अदरवाइज ले इज द पैराडाइज ऑफ इंडिया, सो यू नीड टू कम हेयर। और अगर ये वाली ट्रैवल सीरीज अच्छी लगी तो जाके मसूरी वाली ट्रैवल सीरीज को भी चेकआउट करो, इट वॉज सेम ऑसम देन दिस वन। और बाकी लेट्स एंड दिस व्लॉग, होप यू एंजॉयड इट, एंड बाय बाय, टेक केयर, पीस। See you in the next one. I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker.